अस्सलाम वालेकुम। इस पिक्चर में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 4 आदमी दिए हुए हैं। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच मैन। सो प्लीज़ स्टॉप द वीडियो एंड कमेंट्स योर आंसर एंड चेक माय आंसर एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो आराम से आप इसको स्टॉप करके हल कर लें। तो चलो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल्स नाम देते हैं एक्स वाई जेड और ए, ताकि हम इसको पहचान सकें। तो पहले इक्वेशन नंबर 3 में हम वैल्यू लगाते हैं 4, यानी ए की वैल्यू 4 आती है। 4 के अलावा अगर हम 5 लगाते हैं या 3 लगाते हैं तो 8-3 इज इक्वल टू 5, का मतलब दोनों आदमी की वैल्यू सेम नहीं आती, तो इधर 4 ही आएगा, तो ए की वैल्यू आ गई 4। अब इस ए की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में लगाते हैं तो 6-4 2 आता है। तो इसी तरह 12-2 इज़ इक्वल टू 10 आ जाता है। तो जो वाई है, वाई यानी ग्रीन वाला बंदा है, इसकी वैल्यू आती है 10। वाई की वैल्यू 10 आ गई और ए की वैल्यू 4 आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 पे जाते हैं और वाई और ए की वैल्यू लगाते हैं। अब जो दो बंदे हैं x और z, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू हम लगाएंगे 14, क्योंकि 14-4 आता है 10। तो अब इन दोनों की वैल्यू हम मिला के रखेंगे, यानी x प्लस z इज इक्वल टू 14 आता है। तो इस तरह अब हम इक्वेशन नंबर 2 पे जाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में दोनों की वैल्यू हम 7 लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि 7-7 इज इक्वल टू 0 आता है, और अगर 7+7 लगा लें हम तो x प्लस z की वैल्यू आती है 14। तो इस तरह इसकी वैल्यू 14 बन गई और x और z 7 बन गए।